शिवपुरी में कोरोना की तीसरी लहर के आगाज को लेकर शासन प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो चुका है। इसी के अंतर्गत आज पहाड़ी चौराहे पर शासन प्रशासन पूरे अमले के साथ रोको टोको अभियान चला रहा है, जिसमें लोग मास्क नहीं लगाए हुए हैं उन पर तत्काल चालानी कार्रवाई कर मास्क दिया जा रहा है, और जो लोग चालान नहीं दे रहे उन लोगों को खुली जेल की सजा दी जा रही है, जिसमें उनको कुछ समय तक अंदर रखकर वापस छोड़ दिया जाएगा। जैसा आप जानते हैं, कोरोना वायरस हमारे शिवपुरी जिले में 1 तारीख से लगातार केस बढ़ रहे हैं। कल भी हमारे यहाँ 12 केस निकल के आए थे। लोग बिल्कुल बेफिक्र हो गए हैं, किसी तरह मास्क डिस्टेंसिंग कोई किसी प्रकार का पालन नहीं कर रहे हैं। तो उसके लिए एक अभियान चलाया गया है, जिसमें हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं मास्क लगाने के लिए, और कोरोना से जो बचाव है उसको सैनिटाइज और जो पीने के लिए पूरी करनी है। तो इसलिए संदर्भ में आज पूरी चौराहे में लगातार कार्रवाई जारी रखे हुए हैं कार्रवाई, जिसमें अभी चालानी कार्रवाई हो रही है, और जो लोग अनावश्यक बिना मास्क लगा रहे हैं उनको हमने वाहन का बताया हुआ जवाब दे रहे हैं, और हम उनको जो है कुछ देर बैठा कर ये आवश्यक है। आप सभी माध्यम से कहना चाहूँगा कि सब लोग मास्क का पालन करें, घर से बाहर निकलने से करें, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके रखें, और हर 2 घंटे में अपने हाथ को सैनिटाइज या साबुन से हाथ पुलिसकर्मी चालान पर मास्क है इसलिए भेजा गया है क्योंकि वो मास्क नहीं लगाए थे, जिसके हमारे यहाँ के DI है ये ओवरऑल प्रोटोकॉल है कोरोना का, इसके लिए राज्य सरकार, केंद्र सरकार या WHO जो भी गाइडलाइन है सब यही गाइडलाइन है कि हम कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें, घर में भी घर के बाहर भी। शिवपुरी से कुलदीप गुप्ता की रिपोर्ट।